फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सब के यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच स्पेशल ये बैच इंडियन आर्मी के लिए लेकर आया हूँ। और इस बैच में हम लोग राम सिंह यादव का जो गाइड है उसके अंक गणित के प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो अभी तक मैंने आप सबके बीच एक पार्ट वन वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हल किया और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 26 होगा। देखिए, यही बुक है भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा राम सिंह यादव का है। और इसमें हम लोग ये पेज नंबर 28 और 29 का क्वेश्चन यहाँ तक ये 25 तक हल किए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है ये। तो आइए हम इसमें देखते हैं। जैसे दिया है एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों का औसत भार 40 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार होगा। देखिए, मैंने आपको एक बात बताया था, सबसे पहले औसत निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, जो औसत होता है, औसत इक्वल टू होता है भाई साहब संख्याओं का योग बट्टा में होता है संख्याओं की संख्या। ये औसत निकालने का सूत्र होता है, औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। लेकिन यहाँ से एक और फॉर्मूला आपका निकलेगा। जैसे देखिए, संख्याओं की संख्या ये भाग में है, इधर आएगा तो यहाँ पर भाई साहब क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अर्थात ये आपका बन जाएगा औसत गुने संख्याओं की संख्या इक्वल टू यहाँ पर आपके भाई साहब क्या बचेगा, योग बचेगा। अर्थात जब भी आपको योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू हो जाएगा औसत गुने संख्याओं की संख्या। यानी कि जितने संख्याओं का औसत दिया होगा, जब हम औसत में संख्याओं की संख्या से इंटू कर देंगे तो आपका योग निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 5 संख्या है और 5 संख्याओं का जो औसत है 20 है, तो हमें योग निकालना है। तो योग बतावें, देखिए 5 संख्याओं का औसत 20 है तो योग बतावें। तो आप जानते हैं कि आपको जब भी योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू हो जाएगा संख्याओं की संख्या गुने औसत। तो यहाँ है 5 संख्या, यानी संख्या का मान 5 है इंटू औसत, तो औसत का मान 20 है, तो 5 × 20 बराबर निकल कर भाई साहब क्या आएगा, 100 आएगा। तो यह बात हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी आपको योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू भाई साहब होगा औसत गुने संख्याओं की संख्या। यानी जितने संख्याओं की संख्या होगी अगर उससे इंटू किया जाएगा तो आपका योग निकल कर आएगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 40 kg है। देखिए, कक्षा में जो छात्र हैं, छात्र का संख्या 24 है और इनका जो औसत दिया हुआ है, औसत इक्वल टू है 40 kg। आगे आपसे बोला कि यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए, यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो अध्यापक भी एक आदमी होगा ना। तो यहाँ पर विद्यार्थी सिर्फ 24 हैं, अगर एक अध्यापक आ जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी और अध्यापक। तो अब इनका जो संख्या होगा सो भाई साहब क्या हो जाएगा, एक आदमी आ गया तो 25 और दिया है, तो जो इनका औसत है, इनके औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। तो अगर औसत भार यहाँ पर 40 kg का है तो 1 kg बढ़ गया, तो भाई साहब क्या हो गया, 41 kg हो गया। तो आपको निकालना है अध्यापक का भार होगा। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी का संख्या दिया है 24 और औसत इनका 40 है, तो विद्यार्थियों का जो उम्र है, जो भार होगा उसका योग आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा छात्र यानी कि संख्या 24 इंटू औसत है
40 इंटू किया जाएगा तो निकल कर क्या आ गया 960 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो संख्या है, अब अगर इनका योग निकालेंगे तो इनका जो संख्या है सो क्या है 25 है, इंटू औसत इनका दिया हुआ है 41, इंटू किया जाएगा 25 से कम, 25 के 5 25 चौका 100 वादु क्या हो जाएगा 102 यानी 1025। तो एक बात बताइए, अगर हम 25 आदमी के योगफल में से 24 आदमी के योगफल को हम घटा देंगे तो एक आदमी का योग आएगा और एक आदमी वही होगा जो क्या होगा शिक्षक होगा, यानी कि 1025 माइनस में 960 ये हो जाएगा 5, 12 में से 6 हो जाएगा 6, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा 65 kg, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि यदि 6, 8, 10 x और जो और 7 का औसत 8 है, इन सब का जो औसत है सो 8 है तो x का मान होगा यानी x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू आपको निकालना है। ये भी ये जो क्वेश्चन है आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है 2011 में। तो देखिए दिया है कि 6, 8, 10, 1 और 7 का जब औसत निकाले हैं तो 8 आया है तो x का मान बताएं। तो आप जानते हैं जो औसत होता है, औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो औसत इक्वल टू होगा योग बटा संख्याओं की संख्या, तो औसत इसका भाई साहब क्या है 8 है। तो यहाँ औसत यानी 8 इक्वल टू योग होगा, योग मतलब सबको जोड़ के, तो 8 है 6 14 या 10 24 और 7 31, 31 में x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31 जोड़ x बटा में संख्याओं की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गया 5। अब देखिए ये 5 इधर भाग में इधर आएगा तो भाई साहब क्या होगा गुना में होगा, तो ये हो जाएगा 8, 5, 40 इक्वल टू 31 जोर एक्स, यह जोर में इधर आएगा माइनस में यानी एक्स बराबर हो जाएगा 40 माइनस 31 बराबर क्या होगा 9 होगा, और आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये जो बुक है आर्मी जीडी के लिए रामबन है, अगर इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और इसी उद्देश्य से मैंने ये बैच स्टार्ट किया है ताकि इससे सभी बच्चों को लाभ मिल सके। अगला है क्वेश्चन कि 40 लड़कों का औसत भार 79 kg है। देखिए आपके पास जो लड़का है नंबर ऑफ बॉय जो है 40 है, और इनका जो औसत दिया हुआ है औसत इक्वल टू है 79 kg। अब दिया है यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो आपके पास नंबर ऑफ बॉय जो है 40 है, यानी लड़का का संख्या जो है 40 है। अब बोला कि अगर इनके साथ इनके अध्यापक आ जाए तो अध्यापक एक ही आदमी ना आएगा, तो एक आदमी आ जाएगा तो जो अब इनका संख्या होगा यानी लड़का जो अध्यापक हो जाएंगे भाई साहब क्या 41, तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, अर्थात जो इनका औसत है, औसत जो इनका 79 था 1 बढ़ गया तो अभी ये हो क्या गया भाई साहब 80 हो गया, 80 kg हो गया, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए लड़का का संख्या है 40 गो और औसत है 79 गो, तो जब हम इनका योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा 40 × 79 अर्थात 0, 9, 4, 36 × 6 हासिल 300, 4, 28, 3, 31 अर्थात 3160 हो गया। अब दिया अब देखिए अब संख्या 41 है और इनका औसत 80 है, तो अगर हम इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41 × 80 अर्थात 0, 8 × 8 और ये हो जाएगा 8, 4 = 32। तो देखिए लड़का और अध्यापक मिलाएंगे तो इनका भार होगा 3280 kg, और सिर्फ लड़का लेंगे तो इनका भार है 3160 kg। तो यदि हम लड़का और अध्यापक के योग में से लड़का का मान घटा देंगे तो सिर्फ अध्यापक ही ना बचेगा, तो अध्यापक हो जाएगा 3280 - 3160
ये हो जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अर्थात जो अध्यापक है उनका भार होगा भाई साहब कितना, 120 kg, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 degrees था, जबकि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 degrees था। यदि गुरुवार का तापमान 45 degrees हो तो सोमवार का तापमान होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए दिया है सोमवार, उसके बाद में दिया है मंगलवार और उसके बाद में है बुधवार। सोमवार मंगलवार और जो बुधवार है उसका जो औसत टेम्परेचर है वो 40 degrees Celsius है, जबकि दिया है मंगलवार बुधवार और गुरुवार। ये जो है इनका जो औसत है, इनका जो औसत टेम्परेचर है वो 41 degrees है। अब दिया है कि यदि गुरुवार आपका 45 degrees हो तो इस हिसाब से सोमवार का मान होगा, यानी कि सोमवार इक्वल टू व्हाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए सोमवार मंगलवार और बुधवार का जब आप औसत निकालेंगे तो ये निकलकर भाई साहब क्या आएगा, 40 degrees Celsius आएगा। तो एगो सोमवार है, एगो मंगल है, एगो बुध है, तो यहाँ पर संख्या भाई साहब हुआ कै गो, एक सोमवार, एक मंगल, एक बुध, यानी संख्या हो गया 3 और औसत इनका दिया हुआ है 40, यानी जब हम इनका योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा 40 × 3 = 120 degrees Celsius। अब देखिए मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत 41 है, तो एक दिन मंगलवार है, एक दिन बुधवार है और एक दिन आपका क्या है गुरुवार है, तो 3 है और इन तीनों दिन का जो औसत है 41 है, तो जब हम इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41 × 3 = भाई साहब क्या, 123 degrees। अब देखिए अब हम ये जो योग आया, यह योग आया सोमवार मंगलवार और बुधवार का, यानी आप लिख सकते हैं सोमवार जोड़ मंगलवार और जोड़ बुधवार, और ये जो योग आया 123 degrees ये आया मंगलवार बुधवार और गुरुवार का। तो आप लिख सकते हैं मंगलवार अजोर बुधवार अजोर गुरुवार। अगर हम इनमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब क्या, 123 - 120 = निकल कर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए अब ये ब्रैकेट में रहेगा तो मंगलवार से मंगलवार जाएगा, बुधवार से बुधवार जाएगा, तो यहाँ पर भाई साहब क्या बचेगा, सोमवार और माइनस में गुरुवार इक्वल टू आपका है 3। अब दोनों में से एक का मान दिया होगा, तो देखिए वैल्यू है यहाँ पर किसका, गुरुवार का, तो गुरुवार का मान यदि हम यहाँ रखेंगे तो सोमवार माइनस 45 degrees = 3 है, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, अर्थात सोमवार इक्वल टू हो जाएगा 45 + 3 = आंसर भाई साहब क्या होगा, 48 degrees Celsius होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 30 कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब उनमें 90 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार बदले। देखिए 8 आदमी है, 8 आदमी का औसत भार 3 kg घट जाता है कब, जब 90 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए एक आदमी का 90 kg भार था, लेकिन जब ये व्यक्ति हटा और इसके स्थान पर जब एक नया व्यक्ति आया तो उसके आने से 8 आदमी के औसत भार में 3 kg घट गया। तो घट गया इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति आया है वो ओल्ड वाले व्यक्ति से जो उसका वजन है सो क्या है, कम है। अगर वजन अधिक होता तो औसत बढ़ जाता, और वजन अगर कम है तो औसत यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा। तो औसत घट जाता है तो माइनस, लेकिन घटता है कितना जी, तो 8 आदमी का औसत भार 3 kg घट जाता है, तो आदमी है 8, औसत घट गया 3, तो 3 kg लिख दिए, तो 90 kg और माइनस में 8 × 3 = 24 kg इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 में से 4 = 6 और 8 में से 2 = 6, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा, 66 kg होगा।
तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर औसत बढ़ेगा तो जोड़ेंगे और औसत घटेगा तो यहाँ पर भाई साहब क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अगर यही बोलता कि आठ आदमी का औसत भार 3 kg बढ़ जाता है तो हम जहाँ पर घटाए हैं वहाँ पर इसको भाई साहब क्या करते, जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या कि आठ आदमी का औसत भार 3 kg घट जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भाई साहब लगाए क्या, माइनस का सिंबल लगा दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 606 थी, तो जब भी क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका संख्या भाई साहब क्या होगा, 11 होगा। अर्थात जो 11 गो खिलाड़ी हैं उनके सभी रनों का योग जो है सो क्या है, 606 था। लेकिन दिया है कि पहले 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 60 थी और अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 52 थी, तो छठे खिलाड़ी की रन संख्या बतावें। बहुत ही सिंपल है, देखिए जो टीम है उसके सभी खिलाड़ी का जो रन है, मतलब जो रनों का योग है वो दिया हुआ है 606 रन। अब आगे है कि जो खिलाड़ी शुरू के 5 हैं उनका जो औसत दिया हुआ है सो 60 है, तो अगर 5 गोरा है या औसत 60 है तो 5ों का योग निकालेंगे तो 60 × 5 बराबर क्या होगा, 300। आगे दिया है कि अंतिम के जो 5 खिलाड़ी हैं, मतलब अब जो आपके पास 5 गो बचा उनका जो औसत दिया है सो भाई साहब क्या दिया है, 52 दिया है। तब 5 गोरा है, औसत 52 है, तो यदि हम योग निकालेंगे तो 52 × 5, 5 × 10, 25 यानी 260। तो देखिए 5 आदमी का योग है 300 और 5 आदमी का योग है 260 को, तो इसमें 5 आदमी, इसमें 5 आदमी, तो 5 × 5 10 आदमी का जो योग होगा, 10 आदमी का योग हो जाओ होगा, वो होगा कितना, 560। मतलब कि 11 गो आदमी होता है, 11 गो आदमी में से जो 10 आदमी हैं उनका योग है 560 गो। तो बताइए अगर 11 गो आदमी के योग में से हम 10 आदमी का योग हम घटा देंगे तो जो एक आदमी होगा वो होगा क्या, वो छठा आदमी होगा और उसका रन निकल जाएगा, यानी कि 606 माइनस में 560 बराबर हो जाएगा 6, ये 10 में से 6 जाएगा 4, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा, 46 रन बनाया था छठा आदमी ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट होगा, दिया है 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 11 23 और x का औसत 40 है तो x का मान होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए एक संख्या 11 है, एक संख्या 23 और एक संख्या x है, जब इनका आप औसत निकाले हैं तो औसत निकल करके 40 आया है, तो x का मान आपको निकालना है। तो देखिए 12 ही अति सिंपल है, औसत इक्वल टू होता है तो औसत है यानी 40 इक्वल टू हो जाएगा संख्याओं का योग, यानी 11 + 23 + x बट्टा में संख्याओं की संख्या, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा इंटू होगा तो 120 इक्वल टू इसको ऐड किया जाएगा तो 34 + x होगा, 34 में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 120 माइनस में 34 इक्वल टू x होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा और ये हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8, यानी x का वैल्यू भाई साहब क्या होगा, 86 होगा, 86 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 86। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, परसेंटेज से रिलेटेड है, दिया है कि एक स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं, यदि कुल 675 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या होगी। देखिए एक विद्यालय है, तो जो विद्यालय होता है विद्यालय में विद्यार्थी जो भी होंगे वो अपने आप में होंगे कितना, 100%।
देखिए विद्यालय में 5 ही विद्यार्थी हो, 10 ही विद्यार्थी हो या 1 ही विद्यार्थी हो, वो जो विद्यार्थी होगा अपने आप में हमेशा होगा कितना 100% होगा। तो विद्यार्थी जो होंगे दो वैरायटी से होंगे, एक तो विद्यार्थी लड़का होगा और एक जो विद्यार्थी होंगी वो भाई साहब क्या होगा, लड़की होंगे। अब दिया है कि लड़का जो है 55% है, तो देखिए आपके पास विद्यार्थी 100% है, और 100 में से जब 55% लड़का है इसका मतलब है कि जो लड़की होगी सो क्या होगी भाई, 45% होगी। अब दिया है कि 675 जो हैं लड़कियां हैं, तो जब लड़कियों की संख्या यहाँ पर दिया है 675, तो इसमें लड़की भाई साहब है कितना, 45 है। यहाँ जब लड़की है तो इधरों से हम लड़कियाँ लेंगे, और जब यहाँ लड़का होता है तो इधर से हम लड़का को लेते हैं, तो यहाँ लड़की है तो इधर लड़की हो जाएगी क्या, 45% बराबर है 675 के, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा क्या, 675/45, यानी 1 यूनिट इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, 675/45। लेकिन आपको निकालना क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़का आपके पास है कितना भाई, लड़का है 55, तो इसमें 1 बराबर इतना, तो 55 का वैल्यू निकालने के लिए 55 से गुना करेंगे, 5 × 9 = 45, 5 × 11 = 12 में 9 से जाएगा 9 × 7 = 63, 4 × 9 = 45, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा, आंसर होगा ये 75 × 11, 11 × 5 = 55, 5 × 5 = 77, 77 × 5 क्या होगा, 82, अर्थात जो लड़कों की संख्या होगी सो क्या होगी, 825 होगी, आंसर आपका क्या होगा, 825 होगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आपके एग्जाम में औसत से भी एक आएगा क्वेश्चन, परसेंटेज से तो आएगा ही आएगा, लाभ हानि से भी आएगा, तो इसलिए इसको बढ़िया से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जहां भी आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दिया है कि यदि किसी संख्या का 23% 46 है, दिया है कि अगर एगो संख्या का 23% जो है सो 46 है, यानी यह बराबर है 46 के, तो वह संख्या बताइए, तो संख्या जो होगा सो क्या होगा, अपने आप में होगा 100%। तो 23% बराबर 46 है, भाग देंगे 2 बार में, अर्थात इधर बचा 1, तो 1% इक्वल टू 2 आ गया। आपको निकालना है वो संख्या, तो संख्या आपका क्या होगा, 100% होगा, तो 1 बराबर 2 है, तो 100 बराबर का होगा, 100 से गुना किया जाएगा, तो 100 × 2 बराबर आंसर भाई साहब क्या होगा, 200 होगा, समझ गए इसे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 36 कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। देखिए दिया है कि जो 35 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जिसके साथ लगा हो का के की में से, याद रखेंगे कि जिस अंक के साथ का लगा हो, के लगा हो, की लगा हो, में लगा हो, से लगा हो, उससे हमेशा हर में लिखते हैं, अर्थात जब भिन्न में लिखेंगे तो उसे नीचा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का, तो इसके साथ लगा हुआ है भाई साहब, तो हम इसको लिखेंगे नीचा, तो नीचा क्या हो जाएगा, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, और ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है यहाँ पर क्या परसेंट है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भिन्न में होगा तो भिन्न को परसेंट में बदलने हेतु 100 से गुना किया जाता है। अब देखिए ये ऊपर वाला है सेंटीमीटर में, और नीचे वाला जो है
वो मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लफड़ा है, तो लफड़ा यहाँ पर है तो लफड़ा को शांत किया जाएगा, अर्थात यह जो मीटर में है हम इसको सेंटीमीटर में लेकर बदल देंगे, तो ऊपर वाला है 35 सेंटीमीटर बट्टा में 2 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर क्या होगा 200 सेंटीमीटर, और फिर है क्या 50 सेंटीमीटर, तो 200 और 50 मिला देंगे तो क्या होगा 250 सेंटीमीटर और इंटू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया समाप्त, ये 25 से 10 बार में और ये जाएगा 25 से 4 बार में, ये फिर 5 से 7 बार, 5 से 2 बार और ये 2 से 2 बार, अर्थात जो आपके आंसर होंगे वो होगा 7 × 2 बराबर, भाई साहब आंसर क्या होगा 14%, यानी जो आपके आंसर होंगे ऑप्शन सी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि जोना अक्षर के साथ लगा हो का, के, की, में, से, ये जो छोटा वर्ड है ये जिस नाम के साथ, जिस अक्षर के साथ लगा होगा उससे हमेशा भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो हर में लिखेंगे, यानी कि नीचे लिखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 37 कि एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। देखिए एक फौज है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हो गया, तो जब आरंभ हो गया तो वहाँ पर जो भी फौजी जाएंगे बॉर्डर पर, जो भी फौजी जाएंगे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी होंगे वो अपने आप में होंगे कितने भाई साहब 100%, यानी कि जो लड़ाई में सैनिक शामिल हुए थे वो भाई साहब कितने थे 100% थे। अब देखिए जब लड़ाई में सैनिक शामिल होगा तो उसमें दो ये वैरायटी का सैनिक होगा, या तो आप होंगे जख्मी और ना ही तो आप होंगे अच्छे, या तो आप जख्मी हो गए मतलब दुश्मन ने आपको गोली मारा, आपके बाजू में लगा, पैर में लगा, तो आप यहाँ पर क्या होगा जख्मी होगा, तो या तो सैनिक जख्मी होंगे नहीं तो सैनिक भाई साहब क्या होंगे अच्छे होंगे। अब दिया है कि 6% जख्मी हैं, तो बताइए 100% सैनिक वे है, और 100 में से अगर 6% जख्मी हैं तो अच्छा भाई साहब सैनिक होगा कितना 94%। अब दिया है कि फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ है मतलब क्या है अच्छे हैं, यानी जो अच्छे सैनिक हैं उनका संख्या दिया हुआ है क्या 282, तो जब यहाँ संख्या अच्छे का दिया है तो हम भी इधर से अच्छा ही उठाएंगे, तो अच्छा यहाँ पर है भाई साहब कितना 94% इक्वल टू 282, ये 2 से जाएगा 47 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, और ये जाएगा 47 से 3 बार में, यानी 1% का वैल्यू निकल कर आ गया 3, तो हमें निकालना है तो लड़ाई में सैनिक जख्मी हुए मतलब जो भी सैनिक जख्मी हुआ था उनका संख्या निकालना है, तो जख्मी है कितना 6% और 1% का मान यदि 3 है तो 6% का मान क्या होगा 6 से गुना करेंगे 6 × 3 = 18 गो, अर्थात जो सैनिक थे उसमें से 18 आपके जख्मी सैनिक थे। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा और 1800 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए आपने एगो रेडियो लिया, खरीदा है रेडियो भाई साहब 1500 में, और आपने उस रेडियो को बेच दिया भाई साहब इतना में जी 1800 में। एक ठो बात बताइए, आप जो रेडियो लिए थे 1500 में लिए थे, अब बेचते समय आपने 1800 में बेच दिया, तो आपको इस जो व्यवसाय आपका हुआ, ये रेडियो का जो आपने व्यवसाय किया, इसमें हुआ क्या, लाभ हुआ कि हानि हुआ, यानी कि बचत हुई कि नहीं हुई। तो देखिए
1500 का सामान आपने 1800 में बेच दिया, अर्थात आपको ये जो व्यवसाय है रेडियो का, इसमें भाई साहब हुआ क्या, आपको इस व्यवसाय में लाभ हुआ इतने का जी? तो 1500 का सामान 1800 में बेच दिए तो लाभ हुआ भाई साहब इतने का, 300 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन निकालना क्या है, लाभ परसेंट है। तो एगो बात याद रखना कि लाभ परसेंट इक्वल टू होता है लाभ गुने 100 और बट्टा में लागत मूल। अगर हानि परसेंट निकालना होगा तो ये हो जाएगा हानि गुने 100 और बट्टा में लागत मूल। देखिए अगर लाभ परसेंट निकालना है तो ये लाभ परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लाभ गुने 100 बट्टा लागत मूल। लागत मूल माने हमने जितना लगाया। और जब हानि परसेंट निकालना होगा तो ये हो जाएगा हानि गुने 100 बट्टा लागत मूल। यानी या तो लाभ का परसेंट निकालना हो या फिर हानि का निकालना हो, दोनों स्थिति में हमेशा जो होगा सो क्या होगा, नीचे हम लागत मूल लिखेंगे। अगर लाभ होगा तो ऊपरवा लाभ लिख देंगे, हानि होगा तो ऊपरवा भाई साहब का लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है यह इतने का जी, 300 रुपये का। हमको निकालना है लाभ परसेंट, तो ये हो जाएगा क्या, लाभ यानी 300 गुने 100 बट्टा में लागत मूल। तो देखिए लागत मूल बोलिए और चाहे बोलिए क्रय मूल बोलिए और चाहे आप बोलिए खरीद मूल बोलिए और चाहे अंग्रेजी में बोलिए सीपी, ये सबका अर्थ एक ही होता है। तो बट्टा लागत मूल लिखना है। तो देखिए खरीदा गया मूल है कितने का, 1500 का। ये 300 से 5 बार में और ये 5 से 20 बार में, अर्थात जो आपका उत्तर निकल कर आएगा सो भाई साहब क्या आएगा, 20% आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक व्यक्ति 5000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू किया, उसे पहले वर्ष में 10% का घाटा, दूसरे व तीसरे वर्ष में 10% और 20% का लाभ होता है, तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ होगा। देखिए आपने एक व्यापार शुरू किया और व्यापार में आपने 5000 रुपया धन लगाया, और 5000 जब धन लगाया तो जो पहला वर्ष है उसमें आपको हुआ क्या, 10% हानि, दूसरे वर्ष में 10% लाभ और तीसरे वर्ष में 20% लाभ। तो जब इसका हिसाब हुआ तो तीसरे वर्ष के अंत में आपका लाभ निकालना है। तो देखिए 5000 रुपया है, अब 5000 रुपया में जो पहला वर्ष है उसमें 10% का घाटा लग गया, तो देखिए राशि जो होगी आपकी 100% होगी। और 100 में से 10% यदि घाटा लग गया तो आपको मिला भाई साहब कितना, 90%, यानी 90/100। दूसरे वर्ष में आपको हुआ यहाँ पर क्या, 10% लाभ। तो अब जो राशि है फिर अपने आप में 100 है, और 10 लाभ हुआ तो आपको मिला भाई साहब क्या, 110%, यानी 110/100। जो अगला वर्ष है उसमें आपको हुआ क्या, 20% लाभ हुआ। तो अगला वर्ष का जो राशि है वो अपने आप में क्या है, 100%, और 20% जब लाभ हुआ तो आपको मिला भाई साहब क्या, 120%, यानी 120/100। 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ पर भाई साहब क्या बचा, 9 5 45 × 11 × 12, तो 11 5 55, 11 4 44, 5 हो जाएगा 49 गुने 12, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 9 108 और 6 114 के 4 हासिल 11, बरचौ का 48 48 × 11 हो जाएगा 48 × 11 हो जाएगा 59 140। यानी कि जो मैंने राशि 5000 लगाया था, अब वो घाटा और नाफा मिला करके
तीसरे वर्ष के अंत में हुआ कितना 5940 रुपया। तो आपको निकालना है तो वास्तविक लाभ बताइए। तब 5000 हम लगाइबे किए थे और मिला भाई साहब कितना 5940, तो लाभ हुआ आपको इतना जी। तो लाभ हो जाएगा 5940 माइनस में 5000 इक्वल टू जो आपका आंसर निकल कर आएगा सो क्या आएगा 940 रुपया आएगा। यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला है, एक टीवी 7500 रुपए में खरीदा। आपने एगो टीवी लिया 7500 रुपया में और 10000 में बेच दिया। मतलब कि जब आपने उससे बेचा तो इतना में बेचा जी, 10000 रुपया में बेच दिया। तो निकालना है तो टीवी पर कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो एगो बात बताइए, 7500 में लिए थे अब 10000 में बेच दिए, तो आपको इसमें होगा क्या लाभ होगा कि हानि होगा भाई। तो आपको इसमें लाभ होगा, लाभ होगा इतने का जी 2500 रुपया का। लेकिन आपको निकालना है क्या इसमें लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर हम अभी ना बताए थे कि लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ गुने 100 और नीचवा का रखेंगे लागत मूल। तो लाभ हो जाएगा 2500 गुने 100 और बट्टा में लागत मूल। तो लागत मूल है इतने का जी 7500, 2500 से तीन बार में यानी आंसर आपका आएगा 100/3%। यानी हम इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। यानी आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक रेडियो का क्रय मूल 700 रुपया है और उसका विक्रय मूल 900 रुपया है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने रेडियो को लिया है 750 रुपया में और आपने उसी रेडियो हुआ को बेच दिया 900 रुपया में। तो एक बात बताइए, 750 का रेडियो था और 900 रुपया में आपने उसे बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि भाई। तो आपको इस रेडियो में लाभ हुआ इतने का जी 150 रुपया का। लेकिन निकालना का है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर भाई साहब क्या होगा, लाभ परसेंट इक्वल टू होगा लाभ यानी 150 गुने 100 अब बट्टा लागत मूल। तो लागत मूल है आपका कितना जी 750 का 150 से पांच बार में, 5 से 20 बार में। आंसर निकल कर भाई साहब क्या आ गया, 20% आ गया, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में बेच दी जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। देखिए, आपने एगो वस्तु लिया, वस्तु माने उछाऊ मान लेते हैं, आपने एगो वस्तु लिया 40 रुपया में और उसी वस्तु को आपने बेच दिया, विक्रय मूल है भाई साहब क्या 60 रुपया। तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हमको तो भाई इसमें दिख रहा है कि लाभ हुआ, यानी 40 रुपया का सामान 60 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभे ना होगा भाई। तो लाभ हुआ इतने का जी 20 रुपया का। लेकिन निकालना का है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 और बट्टा में भाई साहब होगा का लागत मूल। तो लागत है इतना जी 40 का, 20 से दो बार में, 2 से 50 बार में। यानी यह जो बिजनेस है सो क्या है, बढ़िया बिजनेस है, इसमें मुनाफा हुआ इतने का 50% का। अगला, तो इसका आंसर भाई साहब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 50% लाभ। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि कोई वस्तु, मान लो कोई भी वस्तु, यदि कोई वस्तु 60 रुपया में खरीदी जाए और 80 रुपया में बेच दी जाए, माने 60 रुपया में ले लो 80 रुपया में दे दो, तो 60 रुपया में लिया जाए और 80 रुपया में दिया जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। देखिए, आपने एगो वस्तु लिया है 60 रुपया में
और आपने उसी वस्तु को बेच दिया है 80 रुपया में। भाई एक बात बताना, 60 रुपया का सामान था और तूने 80 रुपया में उसे बेच दिया, तो घाटा हुआ कि नाफा, माने लाभ हुआ कि हानि भाई? तो इसमें लाभ होगा इतना का भाई, 20 रुपया का लाभ होगा। लेकिन रुपया में राशि नहीं बताना है, परसेंटेज में निकलना है। तो लाभ परसेंट बराबर होगा का, लाभ गुने 100 बटा लागत मूल। तो लाभ है 20 गुने 100 बटा लागत है कितना, 60 रुपया, 20 × 60 यानी 100/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। यानी आंसर भाई साहब होगा इसका क्या, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 18:300 समानुपात। देखिए जब दो गो बिंदु नजर है तो उसको अनुपात बोलते हैं। अब बिंदु का संख्या जब इससे डबल हो जाए, यानी बिंदु का संख्या जो 4 हो, तो इसको बोलते हैं समानुपात। तो दिया है 18:300 समानुपात, वाट अनुपात 30। तो वाट को एक्स मान लो ना रे भाई बुरबक, वाट को हम यहाँ पर क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो देखिए जब भी बीच में समानुपात हो तो इसका मतलब होता है कि ये समानुपात है, माने कि बराबर को दर्शा रहा है। तो यहाँ होता क्या है, दूर गुने दूर और नजदीक गुने नजदीक, यानी दूर का रिलेशन दूर से होगा और नजदीक का रिलेशन नजदीक से होगा। यानी ये हो जाएगा दूर गुने दूर अर्थात 18:30 बराबर नजदीक गुने नजदीक, यानी ये हो जाएगा 300 × x, ये हो जाएगा 300 × x हो जाएगा। ए भाई 30 × 300, तो इधर बचा 18 = 10x। अब तुमको x का वैल्यू निकालना है, तो जब x का वैल्यू निकालना है मतलब यहाँ 10 क्या है, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। तो 10 इधर गुना में इधर आएगा तो भाई होगा का, भाग में होगा। यानी x बराबर हो जाएगा 18/10 को लिख सकते हैं 1.8, मतलब 1.8, यानी कि नीचा से हम 0 हटा करके ऊपर में एक अंक के बाद में 0 क्या करेंगे, सटा देंगे बस। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 45 की 3600 रुपया का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। देखिए आपके पास, आपके बाबूजी के पास में जो धनराशि है सो क्या है, 3600 रुपया है, और उसको तीन भागों में यानी तीन बेटों के बीच बांटना है, जिनके बीच का रेशियो दिया है 1:2:3। यानी एक बेटा को 1 रुपया, दूसरका को 2 रुपया, और जो लास्ट है उसको 1 रुपया, भाई कितना, 3 रुपया। अब कुल जब 3600 है तो कुल माने का भाई तीनों बेटवा का हिस्सा जोड़ दो। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 क्या हो जाएगा, 6, माने अनुपात में 6 व संख्या में 3600, भाग देंगे 1 = भाई साहब का होगा 600। देखो इसमें एक आदमी का हिस्सा नहीं निकालना है, सबका हिस्सा निकालना है। तो अगर 1 = 600 है और एक बेटा का हिस्सा 1 रुपया है, तो 600 × 1 माने का 600, एक गोरा का हिस्सा 2 है तो 6 × 2 = 1200, एक गोरा का हिस्सा है 3 यानी 6 × 3 = 1800, 18 जो इसका आंसर होगा सो क्या होगा, 600, 1200 और 1800 आंसर होगा। यानी आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे दिया है क ख एवं ग ने क्रमशः 7000, 9000 और 11000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर कुल मुनाफा 8100 रुपया है तो ख का मुनाफा बताइए। देखिए तीन आदमी हैं, एक आदमी का नाम है क, एक आदमी का नाम है ख, एक आदमी का नाम है भाई साहब क्या, ग। आई तीन आदमी जो है, एगो विचार आया इनके मन में कि भाई हमारे पास कुछ धन है, हमारे पास कुछ धन है और इसके पास भी कुछ धन है। अब इस सबने मिलकर एगो धंधा शुरू किया, एगो व्यापार शुरू किया। एक गोरा रुपया लगाया 7000 आ, एक गोरा रुपया लगाया 9000 आ, एक गोरा बोला कि भाई हमारे पास 11000 है, माने एक गोरा 7000, एक गोरा 9000, एक गोरा 11000। अब दिया है व्यापार शुरू किया, अगर कुल मुनाफा 8100 हो, मान लो एक साल बाद 8100 का लाभ हुआ, दूसरे साल बाद 8100 का लाभ हुआ, तो उसमें
ख का मुनाफा निकालना है तो एगो बात बताइए, लाभ आप निकालेंगे कैसे? अगर सबका पूंजी इक्वल होता, माने सब अगर 10-10 हज़ार रुपया लगाया होता तो हम सबको इक्वल इक्वल हिस्सों में बांट देते, लेकिन एक गोरा 7 हज़ार दिया, एक गोरा 9 हज़ार दिया और एक गोरा 11 हज़ार दिया। तो जब राशि अलग अलग लगाइएगा तो व्यापार में लाभ भी तो अलग अलग ना मिलेगा जी। तो एक बात हमेशा याद रखना लाइफ टाइम कि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुने समय, यानी कि पूंजी को यानी रुपया को जब समय से गुना किया जाएगा तो लाभ निकल के आएगा। अब देखिए कुल लाभ है इसका कितने का, 8100 का। तो देखिए इसमें समय नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से इसका समय कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसको माना कि यह एक वर्ष का है तो यानी कि लाभ हो गया पूंजी गुने समय अनुपात में, पूंजी गुने समय अनुपात में ये हो गया। अब देखिए अब अनुपात में है तो तुम ऐसा संख्या से भाग लगाओ कि सब में भाग लग जाए, तो 3 0 3 0 3 0, तो 7 1 7 9 1 9 11 1 11। अब कुल लाभ हो 8100 है तो यहाँ पर होगा क्या जी, कुल सबको जोड़ के तो 11 या 9 20 20 7 27, तो 27 = 8100 एक बराबर होगा क्या 300 रुपया हिस्सा किसका निकलना है ख का, तो यहाँ पर 9 है तो 9 3 27 रुपया इसको क्या होगा मुनाफा होगा, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 47 होगा। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी जीनी है मौज की तो नौकरी कीजिए फौज की, यानी अगर आपको ज़िंदगी अच्छा से जीना है अपना ज़िंदगी तो आप जॉब कीजिए फौज का। दिया है कि ये कार 2 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो कार की औसत रफ्तार होगी। तब भाई एगो बात याद रखना कि औसत रफ्तार यानी औसत स्पीड यानी कि चाल इक्वल टू हो जाएगा कुल दूरी आ बट्टा में हो जाएगा कुल समय, माने पूरा अगर दूरी में पूरे समय से भाग लगा देंगे तो आपका औसत स्पीड निकल जाएगा। तो दिया है 2 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ 60 किलोमीटर पर आवर का अर्थ ये हुआ कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो जब घंटा में 60 किलोमीटर तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर, यानी एगो दूरी आ गया 120 किलोमीटर। अगला है और 1 घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यानी अगला जो 1 घंटा है सो क्या है 40 किलोमीटर। तो ये हो गया कुल दूरी बट्टा में कुल समय, तो 2 घंटा 1 घंटा हो गया 3 घंटा, तो 120 40 क्या हो जाएगा जी 160/3 अर्थात भाग देंगे 3 5 15, 1 0 3 3 9, यानी आंसर आएगा 53.3 किलोमीटर पर आवर, अर्थात आंसर होगा क्या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में यह कितनी दूरी जाएगी। तो देखिए दूरी आपको निकालना है, जो रेलगाड़िया है उस रेलगाड़िया का स्पीड दिया है 75 किलोमीटर पर आवर और वो यात्रा भाई किया है समय उसको लगा है 45 मिनट का। तो एगो बात याद रखना दूरी निकालना है तो दूरी इक्वल टू होता है चाल आ गुने समय, तो रेलगाड़ी का स्पीड है 75 किलोमीटर और इसका समय दिया है 45 मिनट। अब देखो यहाँ पर लफड़ा है, लफड़ा इस बात का है कि दोनों जो जाति है एक जाति का नहीं है, और जब एक जाति का नहीं है तो यहाँ पर होगा का लफड़ा होगा, तो हम यहाँ पर जात बदलते हैं। ये दिया है 45 किलोमीटर पर आवर आ है तुम्हारा दिया है मिनट, यानी समय मिनट में है, तो जब यह किलोमीटर पर आवर में है तो समय को हम घंटा में रखेंगे और मिनट को घंटा में बदलने हेतु 60 से भाग देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा बट्टा 60, 15 3
45 और ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 5 के 15 के 5 हासिल 1 7 21 1 22 225/4 किलोमीटर। अर्थात आंसर आपका भाई साहब होगा ऑप्शन ए होगा 56.25 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की स्पीड बतावे, स्पीड निकालना है रेलगाड़ी का। देखो भाई, अब दिया है कि एक वो रेलगाड़ी है और जो रेलगाड़िया है उसका लंबाई है 300 मीटर और जब उसने वो खंभा को पार किया तो समय लगा भाई साहब इसको कितना, 20 सेकेंड का। तो एगो बात लाइफ टाइम याद रखना कि जब भी कोई रेलगाड़ी एगो व्यक्ति को चाहे विद्युत पोल को चाहे वृक्ष को चाहे खंभा को पार की हो तो उसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा जो जाई गई दूरी होगी वो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो हमको स्पीड निकालना है तो चाल बराबर होगा का दूरी और बट्टा में समय। तो जब रेलगाड़ी एगो खंभा को इस पार से उस पार की है मतलब कि जो दूरी होगा सो क्या होगा, रेलगाड़िया का लंबाई होगा। तो रेलगाड़िया का लंबाई है भाई कितना, 300 मीटर, बट्टा में समय है कितना, 20 भाग देंगे तो ये आएगा क्या, 15। अब देखिए यह मीटर में है आई सेकंड में है तो मीटर बटा सेकंड बराबर भाई साहब क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर होगा क्या, 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन आपका दिया है किलोमीटर में, तो एक बात याद रखेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने हेतु हमेशा 18/5 से गुना किया जाता है। तब 5 × 15 तो आंसर क्या होगा, 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी का स्पीड होगा। देखो यहाँ भी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को करती है पार, यानी दूरी जो होगा सो क्या होगा, बिजली का सॉरी दूरी जो होगा सो क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई होगा। तो स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर यानी दूरी हो गया 200 मीटर बट्टा में समय दिया है क्या, 15 सेकेंड। ये 5 से 3 बार में 5 से 40 बार में, यानी आंसर आ गया कितना, 40/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन दिया है किलोमीटर पर आवर में तो इसको हम बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे 3 से 6 बार में और 5 से 8 बार में, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आज का सेवा इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।